लाहौर घाटी के ग्राम हड़बाड़ के तोक सालम में आपदा राहत के कार्य नहीं होने के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि कई बार सूचित करने के बाद भी राजस्व विभाग ने आपदा से निपटने के कोई भी उपाय नहीं किए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि आपदा के कारण गाँव में कई घरों को खतरा उत्पन्न हो गया है तथा पेयजल लाइनें भी ध्वस्त हो गई हैं। पेयजल लाइन ध्वस्त होने के कारण लोगों को दूषित जल पीने को मजबूर होना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने राहत की मांग को लेकर अधिकारियों को ज्ञापन भेजे हैं। हम हड़बाड़ से आए हैं, सालम तो चलिए हड़बाड़। ये जब चौमास में मतलब ये हुआ था ग्रंथपुरा आपदा में, तो उस समय से मतलब टैंकी वगैरह दुरुस्त हो गए सारे, पाइपलाइन वगैरह हमारी। इससे पहले भी मैंने न्यूज़ डाली थी आपकी चैनल में कि ना टावर पकड़ते हैं, रात को अगर कोई हमारी फैमिली बीमार होती है ना टावर है ना पानी है, ठीक है। बिजली भी हमारी काफ़ी दिनों की बात आई, ठीक है ना, और रोड भी ऐसी है उधर के, ठीक है। मेन समस्या जो सालम तोप की हमारी, सालम पैर आ गए हमारे, उतने मतलब स्लिप आई, सारा कुछ आया। मकान खतरे में हुई? हाँ, मकान मेरा भी खतरे में है, इनका नीचे है, नीचे से सारा दरस्त हो गया और साइड से, इस साइड से सारा दरस्त हो गया, कोई देखने के लिए नहीं आया। हाँ, नीचे ऊपर मतलब साइड चारों तरफ से। आपने बताया था प्रधान जी को, पटवारी को? प्रधान को बताया था, बोला हाँ जी पटवारी आ रहे हैं। उस दिन हम घर में रहे जब, तो ना प्रधान आए ना पटवारी जी, रोड में आए, रोड से देखा उधर को, बस हो गया उसका समाधान, कुछ मिला नहीं, ना मुआवजा मिला हमको ना कुछ मिला। सीसीएन न्यूज के लिए हिमांशु जोशी के साथ सुष्मिता थापा की रिपोर्ट।